अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। स्वागत है आपका। सर मोहित मोहित पकड़ जल्दी। ये टेबल कैलेंडर जो कि नादरीन पंडित कुमार गंधर्व जी को समर्पित है, उसका औपचारिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत अभिभूत हूँ उनकी इस आज उपस्थिति हम सबके बीच पाकर, क्योंकि उज्जैन के हैं, हमारे मालवा के हैं, हमें गर्व है उन पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में देवास में इस आयोजन के माध्यम से उनका पहला पूरे देश और अन्य स्थानों से आए हुए सभी कालजयी कुमार गंधर्व के समस्त एक तरह से उनके मार्ग पे चलने वाले पथिक और गौरवान्वित होता है, लेकिन उस पे अगर कोहिनूर लगा दे तो उसकी छटा निहारते फिर बनती है कि कोहिनूर किसके सिर पे आ गया। ऐसे देवास के सिर के ऊपर कोहिनूर आकर के समूचे प्रदेश को धन्य किया, मुझे इस बात का अत्यंत आनंद भी है और इस बात की प्रसन्नता भी है। आज के इस दौर में तो ज़्यादा अच्छे से है, जो मुझे जानकारी मिली है कि लोक धुन जब शास्त्रीय संगीत से मिल जाती है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से कुमार गंधर्व जी के दो जन्म हुए तो देवास का एक तरह से उनने उस तरह से भी अपना एक नया जन्म यहाँ से पाया है। जहाँ से वो चले उस समय की उनकी अपनी तो नहीं होते, उनका अपना आधार होता, उनका अपना व्यक्तित्व होता। तो मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए भी आयोजकों को आभार मानता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं अपनी ओर से आपका पुनः एक बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये शताब्दी में अभी आपने अपने स्तर पर कर लिया, अब सरकार के लेवल पे भी आप मेरे से इस संबंध में कोई मदद चाहेंगी तो मदद सरकार की ओर से भी मैं इस पूरे आयोजन में सरकार को भी भागीदार बनाना चाहूँगा। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से एक पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए खास करके अपना समय निकाला, मैं आप सबको मध्य सरकार की ओर से प्रणाम करता हूँ। जन्म सदी शहर है और कई कारण से इसकी अपनी विशेषता हो सकती है। किसी के सिर पे अगर कोई पगड़ी बांध करके